We have started our chapter in 9th CBSE biology. Why do we fall ill? कई दिनों से हम देख रहे हैं डिसीजेस के बारे में, इलनेस के बारे में. डिसीज क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, कैसे फैलते हैं, उनके सिम्टम्स कौन से हैं, साइंस कौन से हैं, उस पर ट्रीटमेंट कैसे लेते हैं हम डिसीज का, जो इफेक्टिविटी कम करने के लिए, ये काफी सारी चीजें डिसीज के बारे में हम देख रहे हैं. आज हमारा इस टॉपिक का लास्ट पार्ट है जो डिसीज के बारे में मैं तो कहता हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है. अगर ये पार्ट अगर हमने मेंटेन किया तो हमें डिसीज के बारे में कोई फियर ही नहीं रहेगा. वी विल बी फ्री फ्रॉम डिसीज. तो देखेंगे कैसे हम डिसीज से फ्री हो सकते हैं ये टॉपिक से. तो हमारे टॉपिक का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिवेंशन. कैसे हम डिसीज को प्रिवेंट कर सकते हैं. अगर हमें डिसीज हो रहा है तो काफी सारा नुकसान डिसीज से होता है, तो ये अच्छा है ना. तो डिसीज ना ही हो इसलिए शुरू से ही हम होशियार रहे, दिस इज कॉल्ड प्रिवेंशन. करेक्ट ना. तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज डिसीज के बारे में क्या है, प्रिवेंशन. प्रिवेंशन यानी प्रतिबंध करना. अगर कोई आधार हमें होगा ही नहीं तो उस पर खर्चा करने की जरूरत है क्या, नहीं. तो हम देखेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिवेंशन. तो उसमें पहला पॉइंट है व्हाई प्रिवेंशन इसेंशियल. डिसीज को क्यों प्रिवेंट करने का, क्यों शुरू से ही होशियार रहने का डिसीज के बारे में. क्योंकि आपको मालूम है जब हमें कोई डिसीज होता है, अगर उसमें अगर कोई क्रोनिक डिसीज है तो डेफिनेटली हमारे शरीर पर कुछ ना कुछ असर करेगा. अगर हिपेटाइटिस है तो लीवर के सेल थोड़े से बिगाड़ देगा. कोरोना है तो शायद लंग्स के फंक्शनिंग को थोड़ा अबनॉर्मल कर देगा. बीपी कम ज्यादा होगा, किडनी पर सोलिंग सूज आएगा, कुछ तो कुछ ना कुछ असर छोड़ देता है कि नहीं. डिसीज क्रोनिक डिसीज है, जनरल डिसीज नहीं. तो अगर हमको डिसीज हुआ ही नहीं तो ये खतरा है क्या, नहीं. और दूसरी बात, दूसरा नुकसान जो डिसीज से होता है, पहला नुकसान समझ में आया, बॉडी को कुछ ना कुछ वो नुकसान करके जाता है. दूसरी बात, जब कोई भी डिसीज होता है ना तो हमारा काफी समय चला जाता है. डॉक्टर कहते हैं बेड रेस्ट लो, इधर ऑफिस का वर्क रहता है, पढ़ाई करना पड़ता है स्टूडेंट को, वो सब छोड़ के लीव दे के हमें बेड रेस्ट लेना पड़ता है. टाइम गया कि नहीं. और तीसरी बात, जब हमें कोई डिसीज होता है तो हम सोर्स रहते हैं. अगर इंफेक्शन डिसीज है तो हम जहां विजिट करते हैं मार्केट में या घर पे या कोई नेबर, तो हमसे दूसरों को हो सकता है कि नहीं, करेक्ट. तो ये भी नुकसान है कि नहीं. हाँ, तो देखिए कितना नुकसान है डिसीज से. और एक ऐसा स्टडी है कि जितना खर्चा हम डिसीज होने के बाद में उसको दवा खाने में वगैरह हॉस्पिटल में लगा देते हैं, उससे अगर 7 गुना कम खर्चा हमने अगर हमारे हेल्थ पे मेंटेन किया, वेजिटेबल्स वगैरह फूड के अच्छी तरह से, क्वालिटी फूड वगैरह, तो हमें डिसीज होने का कोई खतरा ही नहीं. ऑल ऑफ यू गेटिंग. मेडिसिन पे कितना खर्चा होता है, उससे अच्छा पहले से अच्छा रहो, अच्छा खाओ, अच्छा पियो, करेक्ट. तो व्हाई प्रिवेंशन इज एसेंशियल समझ में आया आपको, या क्वेश्चन मार्क दे देता हूं. व्हाई प्रिवेंशन इज एसेंशियल एज पर द ग्रामर ना, व्हाई या व्हाट इज एसेंशियल क्वेश्चन मार्क. व्हाई प्रिवेंशन इज एसेंशियल समझ में आ रहा सबको, कैसे डिसीज से नुकसान होता है और डिसीज को प्रिवेंट कैसे करें. अब कोई भी चीज को एक्सपोज नहीं होना चाहिए, जिस चीज से हमें खतरा है उस चीज को, जिससे एक्सपोज होना चाहिए क्या. अगर कोई आग है, पानी है, हमें उससे खतरा है तो उसको एक्सपोज होना चाहिए क्या. उसी तरह से डिसीज किन चीजों से होते हैं, उन चीजों को हमें एक्सपोज नहीं होना चाहिए. जैसे कि एयरबॉर्न डिसीज है, कोरोना है, आपको मालूम है कि ये ओवर क्राउडिंग से होता है, भीड़ से होता है, आपको मालूम है. तो अगर हमने वो ओवर क्राउडिंग अगर अवॉइड किया तो लेस चांसेस है हमें वो रोग होगा. ऑल ऑफ यू गेटिंग. वाटरबॉर्न डिसीज का ले लीजिए, अगर इंफेक्टेड वाटर से अगर डिसीज फैल रहे हैं तो हमें पानी के साथ क्लीन वाटर लेना चाहिए, करेक्ट ना. अगर मलेरिया फैल रहा है, डेंगू फैल रहा है, तो हमें वेक्टर को क्लीन करना पड़ेगा. वेक्टर यानी मॉस्किटोज, तो हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो हमें क्लीन रखना पड़ेगा, करेक्ट. कोई भी पानी ऐसा रुके वाला नहीं चाहिए, सब प्लेन चाहिए, सब सफाई वगैरह, सब अच्छा एरिया है, क्लीनलीनेस है, तो वेक्टर पैदा होंगे क्या. जैसे मॉस्किटो है, हाउस फ्लाइज है, इससे काफी सारे रोग फैलते हैं. अगर वेक्टर ही हमने फिनिश कर दिए, वेक्टर को हम एक्सपोज नहीं हुए,
तो हमें ये वेक्टर बॉर्न डिसीज हो गए ना, मलेरिया वगैरह, डेंगू, तो हमें ये प्रिवेंटिव एक्सपोजर से भी हम डिसीज को प्रिवेंट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात मैंने इंपॉर्टेंट लिखा है, पब्लिक हाइजीन है। हमें अगर कोई घर लेना है किराए से भी, तो हम देखते हैं वो एरिया कैसा है, वहां का माहौल कैसा है, या गार्बेज है या कचरा है, करेगा आजू बाजू का परिसर, मॉस्किटो पानी रहता है उससे मॉस्किटो पैदा होते हैं, करेक्ट। तो ये पब्लिक हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर पब्लिक हाइजीन है तो डिसीज का खतरा कम है। ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, समाज को अच्छा अच्छी तरह से साफ सुथरा रखना, मेंटेन करना, क्लीनलीनेस, एवरीथिंग। और एक चीज है हमारे बॉडी में इम्यूनिटी। क्या है इम्यूनिटी? हमारे बॉडी में जो डिफेंस पावर रहता है, कोई भी रोग को प्रतिकार करने की शक्ति नेचुरली हमारे बॉडी में होती है, उसको क्या कहते हैं? इम्यूनिटी सिस्टम। अगर ये हमारा इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा है तो हमें कोई भी डिसीज नहीं होगा, अगर ये हमारा इम्यूनिटी सिस्टम वीक होगा तो हमें कोई भी डिसीज होगा। तो ये इम्यूनिटी सिस्टम कैसे बिल्ड करना? वेरी इजी। इफ यू आर पॉजिटिव, इफ यू आर टेकिंग बैलेंस्ड डाइट, कोई फास्ट फूड नहीं ले रहे, ज्यादा बाहर का नहीं खा रहे, जैसे चॉकलेट, समोसा, क्या वड़ा पाव, बर्गर, पिज्जा, चाइनीज, है ना, ये चीजों से इम्यूनिटी बिल्ड होता है कि अच्छी तरह से? नहीं। इम्यूनिटी बिल्ड होता है हमारे रोज के खाने से, जो भी दाल चावल चपाती, करेक्ट, इससे इम्यूनिटी बिल्ड होता है। फ्रूट्स बीच में कभी, और एक्सरसाइज करने से, हमारी पॉजिटिव सोच से, मेडिटेशन से, ये काफी सारी चीजें जिससे हमारा इम्यूनिटी बिल्ड होता है। मेन तो चीज है फूड पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, कितनी से मैं कैसा क्वालिटी फूड लेना है, उसमें फ्रूट्स का इस्तेमाल, वेजिटेबल्स का इस्तेमाल, दैट विल बूस्ट अवर इम्यूनिटी एंड द डिसीज विल नॉट अटैच ऑन अवर बॉडी। तो इम्यूनिटी सिस्टम और डिसीज का क्या रहता है? अगर आपका कोई रोग फैल गया है तो सबको नहीं होगा, वो कुछ लोगों को ही होगा। अगर कोई डायरिया है, सब चिल्ड्रन को नहीं होता है, कुछ चिल्ड्रन को ही हुआ है, सबको नहीं हुआ है, इसका कारण इम्यूनिटी है। ऑल ऑफ यू गेटिंग? अगर इम्यूनिटी अच्छा है तो डिसीज होगा क्या? नहीं। इम्यूनिटी अगर वीक है तो डिसीज अटैक करेगा और वो डेवलप होगा बॉडी में। ऑल ऑफ यू गेटिंग? तो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम ही मायने रखता है हमें डिसीज होगा या नहीं होगा। उसके बाद में हम देखेंगे इम्यूनाइजेशन। व्हाट इज इम्यूनाइजेशन? जो वैक्सीनेशन है उसको क्या कहते हैं? इम्यूनाइजेशन। एक्चुअली वैक्सीनेशन में वो जो रोग रहता है उसका माइक्रोब्स ही रहता है, उसको हाफ किल करते हैं, उसका पावर कम कर देते हैं, वो हमारे बॉडी में आता है तो इसलिए हमारी बॉडी उसके खिलाफ वर्क करती है, करेक्ट, और इससे हमारे बॉडी में रेजिस्टेंस पावर बिल्ड होता है, इसलिए वो डिसीज हमें फ्यूचर में होता है क्या? नहीं। जैसे मिमिक्री टाइप, ऑल ऑफ यू गेटिंग, पहले से हमारी बॉडी वो डिसीज के लिए तैयार हो जाती है। ट्रेडिशनल इंडियन एंड चाइनीज सिस्टम में देखिए एक थोड़ा सा रफ मेथड था डिसीज क्योर करने का। अगर किसी को अगर स्मॉल पॉक्स हो गया तो उसका थोड़ा सा स्मॉल पॉक्स के जो रहते ना ब्रिस्टल्स, वो थोड़ा सा रब करते थे हेल्दी इंडिविजुअल के ऊपर, तो उसमें माइल्ड स्मॉल पॉक्स डेवलप होता था कम मात्रा में, तो उससे क्या होगा? फ्यूचर में उसको स्मॉल पॉक्स नहीं होगा। अलॉफिकेटिंग? ये डिसीज के खिलाफ लड़ने का एक सिस्टम है। जैसे किसी को अगर कुश्ती खेलना है, रेसलिंग है, तो शुरू शुरू में बचपन से उसको थोड़ा सा आदत लगा देते हैं, करेक्ट ना, तो इससे वो बाद में मजबूत बनता है, रेसलिंग भी खेल सकता है। स्विमिंग का ही वैसा है ना, थोड़ा बहुत पानी की आदत डाल दी उसको, थोड़ा सा स्विमिंग अगर सीखा है तो वो अच्छा स्विमर भी बन सकता है ना, स्टेप बाय स्टेप। जस्ट लाइक द सेम वे जो माइक्रोब्स रहते हैं उनको भी थोड़ा थोड़ा अगर फेस हो गए तो इम्यूनिटी बढ़ जाता है। ऑल ऑफ यू गेटिंग? इसमें तो हम कहते हैं ना ज्यादा सर्दी से नहीं करना चाहिए, गर्मी से, हर चीजों का थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस सर्दी है, ज्यादा ठंड है तो बस एकदम प्रोटेक्टेड पूरा, करेक्ट, इससे क्या होगा? हमारा इम्यूनिटी बहुत ही वीक हो जाएगा। और थोड़ा थोड़ा हमने अगर रेजिस्टेंस पावर बिल्ड किया तो अच्छा है ना। ऑल ऑफ यू गेटिंग? एकदम नहीं एक्सपोज होना, एकदम एक्सपोज से तो डिसीज हो जाएगा। अब थोड़ा बहुत हमें प्रैक्टिस करना चाहिए। तो वैक्सीनेशन एंड वैक्सीनेशन प्रोग्राम, तो वैक्सीनेशन के लिए तो पूरे वर्ल्ड में प्रोग्राम है, अभी कोरोना का भी वैक्सीनेशन हो गया है और काफी डिसीज आपको मालूम है जो चिल्ड्रन के लिए भी वैक्सीनेशन प्रोग्राम रहता है, जैसे टिटैनस है, डिप्थेरिया है, हुपिंग कप है, मिसल्स है, पोलियो है, इन सब डिसीज के अभी वैक्सीन अवेलेबल है और वो चिल्ड्रन का प्रोग्राम रहता है कितने ईयर के बाद, कितने मंथ के बाद वो लेने का है, करेक्ट। ये वैक्सीनेशन से क्या होता है, उस रोग के बारे में बॉडी में इम्यूनिटी बिल्ड हो जाती है। कैसे इम्यूनिटी बिल्ड हो जाती है मालूम है? वही देखेंगे, वैक्सीन मींस मिमिक्री है ये।
अगर कोरोना का वैक्सीन ले लिया तो कोरोना के वायरस रहते उसमें, लेकिन कैसे, और फुल या हाफ किल्ड, हाफ किल्ड रहते हैं, तो हमारा बॉडी उसके ऊपर उसके साथ फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है, थोड़ा सा तैयारी करता है, समझ में आया, पहले तैयार रहता है क्या, नहीं, तो उसका थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाता है ना, एक्सरसाइज हमारे बॉडी का, तो फिर बाद में ओरिजिनल कोरोना वायरस भी हमारे बॉडी में आए तो उनको थोड़ा सा खेलने का आदत लग जाता है, उस पर वो अटैक करके उसको किल कर सकते हैं। अलाफी गेटिंग, देखिए कितना इंटरेस्टिंग फिनोमेना है, ये लाइफ से रिलेटेड है, साइंस डिसीज सब चीजें हमारे लाइफ से रिलेटेड है, लेकिन लाइफ के एग्जाम्पल देना जरूरी है। मैंने जो एग्जाम्पल दिए इससे आपको ये टॉपिक समझ में आया ना, अलाफी गॉट दिस टॉपिक, प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिवेंशन, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर कहते हैं, तो मैं तो कहता हूं प्रिवेंशन इज एवरीथिंग फॉर द डिसीज, करेक्ट, थैंक यू।